प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे, जिसे लेकर एनडीए नेताओं का जोश हाई है। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने तंज कसा, कहा कि पीएम मोदी एयर शो करे या फिर रोड शो, हम लोग जॉब शो करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी पटना की दोनों सीट पर जीत का दावा कर रही है, तो फिर प्रधानमंत्री को रोड शो के लिए क्यों बुलाना पड़ रहा है। इस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। आप पीएम चाहे एयर शो करें या रोड शो करें, तेजस्वी जॉब शो करें, क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल डन। हाँ, समझ गए ना। देखो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं, अब जनता रगड़ने लगी है। अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो तीन फेज ना भइल बा, चार फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम ललाही थे, लोग ढूंढा था ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी लालटेनवा पे बटन दबाई और भाजपा के भगाई। जीत सुनिश्चित है तो पटना क्यों आना पड़ रहा प्रधानमंत्री को रोड शो करने के लिए? पटना में तो बीजेपी के लोग लगातार कई विधानसभा क्षेत्र जीत रहे हैं, पार्लियामेंट का एमपी उन्हीं का है, कई बार से जीत रहे रविशंकर जी, तो प्रधानमंत्री को पटना ही क्यों आना पड़ रहा? तो ये विरोधाभासी बातें हैं बीजेपी वालों की। संभावित हार से परेशान होकर अब मोदी जी को बार बार बिहार भेज रहे, अब पटना शहर में रोड शो करेंगे। अरे जहां आपका लोग जीता हुआ है, आपके लोग हैं, कहते हैं कि हमारा दबदबा है, तो कांग्रेस तो ये जानना चाहती है। मैं तो ये कहूँगा कि जो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को जनता पूछ ही नहीं रही है, तो वो क्या करेंगे? और किसको हार की चिंता है, किसको हताशा में कौन है, वो तो दुनिया भी देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आपके नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी बिहार आ ही नहीं पा रहे हैं, अब किन कारणों से नहीं आ पा रहे? वो हमारे नेता जनता से मिलते हैं, हम हार और जीत के आधार पर सीटों का चयन नहीं करते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मैक्सिमम एरिया में जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैक्सिमम एरिया में कार्यकर्ताओं से जनता से मिले, अपनी बातें रखें। आपको क्यों भय है हमारे जाने से? आपको क्यों भय है? हम अगर कमजोर है या मजबूत है, ये परिभाषा तो हम समझते हैं। उनका लगाव है और बिहार पिछड़ा राष्ट्र है, राज्य है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के परिस्थिति को जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी और भारत का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बन ही रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ की स्थिति को समझ करके बिहार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसलिए डबल शो कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार समिति में सर रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुओं की संख्या घटी है। अब ये जनसंख्या बढ़ाना घटाना अपना पर्सनल बातें हैं, इस पर इसको धर्म को लेकर के नहीं आगे चलना चाहिए। बिहार भारत का हिस्सा, बिहार जो है बिहार का अहम भूमिका होती है, बिहार के राजनीति में बिहार के लोग सुनना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो सुनना चाहते हैं। और रोड शो कोई बड़ी बात नहीं, सब जगह प्रधानमंत्री जी करते रहे, इसके पहले भी रोड शो किए हैं, अन्य अन्य प्रदेशों में रोड शो किए हैं, तो बिहार की जनता, बिहार के लोग भी, एनडीए के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वहाँ रहे हैं हमारे नेता।